नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। अमोठा कठुली में बने स्टोन क्रेशर के विरोध में उतरे ग्रामीण। स्टोन क्रेशर से प्रदूषण व सड़क पर हो रहे गड्ढों से ग्रामीण परेशान। तहसील सतपुली के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमोठा कठुली में बने स्टोन क्रेशर के विरोध में रविवार को सभी ग्रामीण सड़कों पर उतर पड़े। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रेशर से अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि गांव में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियाँ पनपती है। वहीं उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर में आ रहे भारी वाहनों के कारण भी सड़क पर अत्यधिक गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे गड्ढे कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सतपुली को भी ज्ञापन प्रेषित किया। आज समस्त क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि हिमालयन स्टोन क्रेशर डोबल एवं कठुली के मध्य जो लिंक मार्ग अमोठा से और कठुली बग्याली के बीच जाता है, इस पे जो क्रेशर स्थापित है पिछले एक साल से, और जनता का रोष ये है कि इस क्रेशर में भारी वाहन जिसमें कि ट्रक है जो कि रोखड़ से माल लेके और क्रेशर तक पहुंचते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में प्रदूषण बना हुआ है। रोड बिल्कुल गड्ढे रोड हो चुकी है, जिसमें कि स्थानीय टैक्सी चालकों को, स्थानीय जो लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं, बाइक वाले हैं, और कई प्रकार की समस्या यहाँ पे आ रही है। जो स्थानीय अमोठा जो गांव है, यहाँ पे प्रदूषण बना हुआ है। तो इस प्रदूषण के लिए और ये गड्ढा मुक्त के लिए हमने कई बार क्रेशर के जो संचालक है उनके सामने इस बात को रखा, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और उसके उपरांत एक स्थानीय लोगों की एक समिति के माध्यम से यहाँ पे सभी लोग, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन अगर ये स्थिति, अगर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो ये बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से एवं स्थानीय जो क्रेशर के ओनर हैं उनसे निवेदन है कि आप, हम किसी विकास कार्य का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का निराकरण करें, क्योंकि भारी वाहन इस रोड पे चल रहे, जबकि ये रोड कच्ची रोड है और पूरी तरह से बनी भी नहीं है। और मैं इसी के माध्यम से जो PWD के अंडर में ये रोड आती है, मैं उनके एक्शन साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि, और तो छोड़िए कि इसकी मेंटेनेंस के लिए, यहाँ तक कि झाड़ियाँ तक इस रोड पे नहीं काटी गई है, नालियाँ तक इस रोड पे नहीं काटी गई है, और जिससे कि लगातार खतरा बना रहता है, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि हमारी बात को गहराई से ले और इस पे तुरंत कार्रवाई करें। ये आज हम सभी लोग इस मंच के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं कि अपनी बात को प्रशासन एवं जो स्टोन क्रेशर के मालिक हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं। एक संज्ञान SDM के माध्यम से या स्थानीय जनता के माध्यम से SDM साहब को दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही एक ज्ञापन हम क्रेशर के ऑनर को दे रहे हैं कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करें। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे ये उग्र आंदोलन लेगा और फिर जनता रोड पर आ जाएगी। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।